सोशल मीडिया भी समाज के लिए काफी सार्थक सिद्ध हो रहा है, जिसकी मदद और मांडेरा पुलिस चौकी के जवानों की मुस्तैदी से एक परिवार को उनका एक मूक बधिर लापता बच्चा मिल गया। जानकारी के अनुसार सीकरी थाना अंतर्गत गांव बनीनी से एक मूक बधिर बच्चा जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष, जो कि रविवार की दोपहर 1 बजे अपने गांव से घर वालों को बताए बिना नगर का मेला देखने घर से निकल गया। वहीं बच्चा मांडेरा पुलिस चौकी के आसपास घूमता हुआ देखा गया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने चौकी पर पुलिस को दी। वहीं सूचना पर हेड कांस्टेबल उमेश कुमार सिंह, विष्णु सिंह, तेजवीर सिंह ने बच्चे की तलाश की और बच्चे को चौकी पर ले आए। वहीं पुलिस ने बच्चे से जानकारी प्राप्त करना चाहा तो बच्चा मूक बधिर होने के चलते कुछ भी बताने में असमर्थ था, इसलिए पुलिस द्वारा लापता बच्चे का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं हेड कांस्टेबल उमेश कुमार ने बताया सोशल मीडिया की मदद से आज लापता बच्चे के परिजन मांडेरा पहुंचे और पूरी जानकारी व पुष्टि करते हुए बच्चे को अपने साथ ले गए। आज दिनांक शंकर मांडेरा ने चौकी पर आकर बताया कि एक बच्चा पैदल पैदल दीग से कुम्हेर की तरफ जा रहा है, जिससे मैंने नाम पते पूछे तो वो नाम पते बताने में असमर्थ है। हम गए तो इस बच्चे को लेके आए, इससे नाम पता पूछा तो ये बताने में असमर्थ है, मूक बधिर है। हमने क्वेस्टी कराई, क्वेस्टी के माध्यम से हमें इसके माँ बाप का मालूम हुआ, ये सीकरी थाने के बाबेन गांव का है, बनेनी गांव का है। इसके ये पिताजी हैं दीनू और इसका नाम है बच्चे का समून, जो मूक बधिर है। नाम पता बताने में बिल्कुल असमर्थ है। अभी इसके परिवारजन आए हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं।